अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं पसरूर के नवा में, गांव कोरेकी, जहां पर क्या हमें पाकिस्तान से पहले का एक बहुत मशहूर उर्स मेला हज़रत बाबा गुल्लू शाह उनके मज़ार पर ये लगता है। और कहा जाता है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, जहां बयाक वक़्त बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट फनकार, जिनमें आलम लोहार, बाली जट्टी, हिसैन बट्टी और जितने भी टॉप के उस वक़्त के गुलूकार थे, वो यहाँ आकर अपने थिएटर लगाया करते थे। और पूरे पंजाब से, दुनिया, पंजाब क्या बल्कि इंडिया से भी जो लोग हैं, अकीदत मानते हैं, वो यहाँ आकर अपने जो है ना वो मजहबी रसूमात जो भी उनकी अपना है उसके मुताबिक यहाँ पर उसको सेलिब्रेट करते थे। आज भी ये मेला उसी तरह लगता है, गो कि अब इसकी जो है नोयत चेंज हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर गैर जो है ना पाकिस्तान से जो चले गए हैं, जो इंडियन हिंदू सिख हैं, उनकी आमद थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, मुकामी एरिया के लोग हैं, वो आज भी इस दरबार पर आकर अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ पर बाहर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं, जहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स और मनियारी की चीज़ें बेचने वाले हैं उनके स्टॉल्स भी लगते हैं, खाने पीने की अशिया ऑफकोर्स वो भी होती हैं। अभी हम खड़े हैं बाबा जी के दरबार के बिल्कुल सामना, जो मेन गेट है उस पर खड़े हैं, और जैसा कि आप कैमरे की आँख से देख रहे हैं, ये नाज़रीन तकरीबात 8 दिन जारी रहती हैं। हर साल 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट होती हैं और 8 दिन तक जारी रहती हैं। 8 दिन तक मुकामी लोग जो है ना इसको पूरे तरीके से इंजॉय करते हैं, और यहाँ पर दमाल, ढोल की थाप पर भंगड़े और जो भी अपना उनकी अकीदत का इजहार करते हैं बाबा जी के साथ, और ये सिलसिला आज भी जारी है। बाकी इसकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताते जाएँगे। अच्छा नाज़रीन, अभी हमारे साथ मुकामी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जो इस उर्स के हवाले से थोड़ी सी हमें माजी के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे। सलाम अलैकुम, की नाम ताडा? गुलाम अहमद जी। कितनी उम्र हो गई जी? माशाल्लाह, उम्र मेरी हो गई जे अगो मैं तेन दारा भी जा छा जो जो पाकिस्तान होया नहीं, हिंदू मुस्लिम खेड़ा होया उदो मैं चौथी जो पढ़दा आओ बच्चे जी डावन मेला लगता है जो बच्चे जी होंगे सो पाकिस्तान दे वक्त उदो भी मेला लगता ना ही वड्डा लगता सी ते हिंदू सिख भी आंदे होंदे सन बल्ले बल्ले कराची सीधा दुनिया आँदी सी बड़ी मंडी शाही लगती हर शहर से आँदी सी दूरों दूरों जिन्हें को जानवर लेना मज या कोई शह आखना सरकार बाबे गुल्लू शाह दे जाना उतो लैके होनी तो बड़ी मंडी लगती सी इन्हें को मैं धंधे दस बड़िया रहमत हैं तो उन्हें वे भाई मेरे काफ़ी कई पीढ़िया की गल है ऐसी कई पीढ़िया की गल सोरी सरकार की एक दो गल जी हो गई भी ना तुरी आँगी गल हम मदीने से कलमा पढ़े तो पता नबी पर किस तरह पढ़िया काफरा को पता नहीं ना कलमा पढ़ लेना मनो दुश्मन जो दूजी कौम के मगर नहा देने ये क्यों पढ़ते हैं उतों की गल इतें भी आईया ने ना अस आप भी गए हमें भी उतों हो गया हाँ तो यह भी गल तुरी आँगी है को मैं आखा भाई मैं वेखे ने ना ना मैं चू नहीं मतलब हाँ जी सरकार नहीं वेख्या हाँ सरकार नहीं वेख्या अच्छा जी उम्र हो गई है। अच्छा मैं ये दसो कि पहला तो असी तो मुसलमान हाँ ना ये तो उन्ने ही हिंदू तो उन्ने ही जो सिख ने वह भी इन्होंने बड़े अकीदत करते होंगे सन ताबेदार सन मानते सन हाँ बड़ी करते हैं के बड़े मान सन जी इन्होंने मेरी गल सुनो कदम ही आते सन मेरे अपना कल मक्की आने पीर मुर्शद की लड़ी पड़ी मगरी लगने हाँ जी ते ओन जो कदमी सारे काम होंदे हन मंडी मेला मसाल ते सुल्तान उन्नी ना लईयां आंदे ने ते बड़ा थिएटर शेटर होंदे होंदे सन इत्थे जनाब आलम लोहार उना परा टैडी कमियार बड़े बड़े होंदे ने जी पर हुण कोई नहीं मेरी गल सुनो बुढ़ा कदे शुरू हो गई है ना इस वास्ते अखी वेखे मेला अंज करके विचो नंगिया नहीं जांदा इन्नी दुनिया छरकां ते फेरदी इत्थे गगड़ वाली किसे वे पता नहीं उतो भी चौंकी आले पुलिस उसे भी उन्हें तंबू लाए सन इधर भी आ खून मीन दो उसे भी पुलिस आई होंगी उतों भी इधर छपेरा सारे माल ही माल हों अड्डो अड्डी इतने
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਯਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਦੂ ਤੂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦਮੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸੈਦ ਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਾਉ ਚ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਹਨ ਹੱਕ ਸਨ ਮੰਡੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਜੁੜੀ ਭਰਾ ਉਹ ਜੁਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੁਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਝ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਆ ਜਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂ ਤੀ ਸੁਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦਮੀ ਪੈ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਸੀਬ ਆਏ ਇਹਦੇ ਦਾਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਨਿਆਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ہمارے بزرگوں کی بھی آپ نے باتیں سنی انہوں نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت اس سے پہلے بھی یہاں پورے پاکستان سے کیا انڈیا سے بھی لوگ عقیدت مند آ کر یہاں پر اس منڈی اس میلے اس عرس کو انجوائے کرتے تھے اور یہاں سے شفا بھی حاصل کرتے تھے اورنگزیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ